एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर था। उसका बेटा था रामलाल। वो बहुत लालची था और अपने पिता का व्यापार संभालता था। उसे हर वक्त पैसे कमाने की लगी रहती थी। रामलाल अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाया करता था और अपनी पत्नी को समय नहीं दिया करता था। इसी वजह से उसकी पत्नी अक्सर उदास रहा करती थी। और एक दिन, अजी सुनिए, आप अक्सर शहर चले जाते हैं और मुझे वक्त नहीं देते। मैं घर में आपके बिना अकेले क्या करूं? गांव में मेला लगा हुआ है, चलो आज मेले में चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है इन बेकार की चीजों के लिए, तुम अकेले चली जाओ। अजी सुनिए, मुझे नए कपड़े दिलवा दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं, तुम अकेली चली जाओ। उसका पति हमेशा अपने व्यापार को ज्यादा अहमियत दिया करता है, इसीलिए उसकी पत्नी उदास हो जाती है। अरे प्रियतम, मैं इतना पैसा तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका वक्त चाहिए। देखो बिमला, मुझे अधिक पैसा कमाने के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे अपने साथ शहर ले चलिए, इसी बहाने मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं कल शहर जाऊंगा तो तुम साथ चलना। फिर अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी को अपने साथ शहर ले जाता है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अजय सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। रामलाल दुकान से पानी लेने जाता है, तभी वो सोचता है कि 20 रुपए की पानी की बोतल लेने से अच्छा है पास की नदी से पानी भर लेता है, बिना पैसे के प्यास बुझ जाएगी। फिर रामलाल पानी लेने के लिए नदी के पास जाता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव में बह जाता है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, मर गया रे, ये लालच तो महंगा पड़ गया, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। बहुत देर हो गई, ये आए नहीं अब तक। वो बहुत देर तक अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। हे भगवान, ये अभी तक वापस नहीं आए, अब मैं क्या करूं, इन्हें कहां ढूंढूं? तभी उस पेड़ पर बैठा हुआ भूत बिमला की सारी बातें सुनता है। अरे ये कितनी सुंदर है, इसका पति कितना किस्मत वाला है, लेकिन इसका पति इसे यहाँ अकेला छोड़कर न जाने कहाँ गया। मुझसे इसकी परेशानी नहीं देखी जाती, एक काम करता हूँ मैं, इसके पति का रूप धारण करके चला जाता हूँ। फिर वो भूत बिमला के पति का रूप धारण करके उसके सामने आ जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अजी आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, आज के बाद मुझे अकेला कभी मत छोड़ना। अच्छा बाबा ठीक है, आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चलो अब घर चलते हैं। अरे क्या हुआ, आपको व्यापार करने शहर जाना था ना? नहीं नहीं, बहुत व्यापार कर लिया, अब मेरा वक्त तुम्हारे लिए है, अब तो खुश हो ना? अरे ये लालच तो महंगा पड़ गया, अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मुझे बचाओ। अरे बच गया रे, बच गया रे, आज तो बाल बाल बच गया, लगता है मैं पानी में बहता बहता गांव से बहुत दूर चला गया हूँ। ओफो बिमला भी परेशान हो गई होगी, ओह चलो 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 अब वापस चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बिमला खुशी से फूले नहीं समा रही थी। भूत बिमला को खूब मेले में घुमाता है, उसे नए कपड़े और गहने दिलवाता है, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करता है और पूरा दिन बिमला के साथ ही रहता है। बिमला भी उसे पति समझकर खुशी खुशी उसके साथ रह रही थी। हे भगवान तूने मेरी सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है, बस ये पूरी जिंदगी ऐसे ही मेरे साथ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर रामलाल दो दिन लगातार चलकर जंगल से गांव पहुंचता है और अपने घर पहुंचकर देखता है तो वो दंग रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसका हमशक्ल उसके सामने खड़ा रहता है। बिमला भी रामलाल को देखकर हैरान हो जाती है, उसे भी समझ नहीं आता कि दो दो रामलाल कहां से आ गए।
ए बहरूपिये, कौन है तू और इस तरह मेरी पत्नी के साथ मेरे घर में क्या कर रहा है? आप कौन है? आप तो बिल्कुल मेरे पति जैसे ही दिखते हैं। अरे पागल, मैं तेरा पति ही तो हूँ, 2 दिन में ही भूल गई क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रामलाल के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये दो दो रामलाल कहाँ से आ गए? मेरा असली बेटा कौन है? मैं हूँ आपका असली बेटा। तो ये कौन है? हे भगवान, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, अब कैसे पता चलेगा मेरा असली बेटा कौन है? अजी, एक काम करो, मनोहर जादूगर को बुलाओ, उससे बड़ा जादूगर पूरे गांव में नहीं है। फिर उसके पिता गांव में जाते हैं और जादूगर को पूरी कहानी समझाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम में से जरूर एक बहरूपिया है, वो मेरी नजर से नहीं बच पाएगा। बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था और पिछले साल हमें व्यापार में कितना लाभ हुआ था? वो भूत सारे सवालों का सही सही जवाब देता है और रामलाल हैरान रह जाता है। अरे बहरूपिये, तुझे ये सब कैसे पता? पिताजी, मैं ही आपका असली बेटा हूँ, मैं इसके अलावा आपको और भी बातें बताता हूँ। और फिर रामलाल सारी बात अपने पिता को बताता है और जादूगर हैरान रह जाता है कि भला इन दोनों को सब कैसे पता है। फिर जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति रामलाल नहीं, भूत है। अरे ये क्या, ये तो भूत है, इसे अभी मजा चखाता हूँ। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। अरे यार, मेरी शक्तियों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, ये तो बहुत शक्तिशाली है। अगर ये चाहता तो रामलाल की जान लेकर कब का उसे हटा चुका होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हे जादूगर, मुझे पूरा विश्वास है, यही मेरे पति हैं, कृपा करके आप अपनी जादुई शक्ति से इन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता मैं। अच्छा, तो ये बात है, जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई जादू कैसे काम कर सकता है? तब जादूगर अपने झोले से एक बोतल निकालता और कहता है, जो भी विमला से ज्यादा प्यार करता है वो अभी के अभी इस बोतल में आ जाए। सब हैरान रह जाते हैं। अरे पागल, ये बोल रहा है, अब मैं इस बोतल में कैसे घुसूं? तभी भूत विमला की ओर देखकर बोलता है, मैं जानता हूँ, अगर मैं इस बोतल में गया तो ये जादूगर मुझे कैद कर लेगा, लेकिन इसने जो पूछा है उसका जवाब तो मैं दे ही देता हूँ। तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं ही करता हूँ विमला, मुझे जाना होगा, अलविदा, अपना ख्याल रखना। फिर वो भूत बोलते ही उस बोतल में घुस जाता है और जादूगर उसे कैद कर लेता है। जादूगर भूत को कैद तो कर लेता है, लेकिन प्यार की जीत होती है। मुझे माफ कर दो विमला, अब व्यापार को नहीं मैं तुम्हें समय दूंगा। ये भूत जानता था कि जादूगर उसे कैद कर लेगा, लेकिन अपना प्यार साबित करने के लिए वो उसमें चला गया। इस भूत ने मुझे सिखा दिया कि प्यार कैसे किया जाता है।